फ्रेंड्स, आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन जनरल असेंबली का सेशन को संबोधित किया, जिसमें उनके जो मेन जो पॉइंट थे कि भारत ने अपने उन्होंने एक तरह से 20 साल के कैरियर का बखान किया है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि चाय वाला प्रधानमंत्री आज चौथी बार इसको संबोधित कर रहा है। दूसरी के भारत ने जब से प्रधानमंत्री बने तब से 43 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोल गए, 36 करोड़ लोगों को बीमा योजना दी गई, 50 करोड़ लोगों को अपना सिक्योरिटी दी गई। एक तरह से उन्होंने पिछले अपने 20 साल का कैरियर का बखान किया वहां पे यूएन जनरल असेंबली में। ये भारत के प्रधानमंत्री अपने बीजेपी सरकार के एक तरह से प्रचार मंत्री के तौर पे वहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी के प्रचार मंत्री के तौर पे इलेक्शन की वो कर रहे हैं, ये कि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है उसको वहाँ पे पब्लिसिटी कर रहे हैं। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान पाकिस्तान को इनडायरेक्ट वे में कहा कि वो अपना अफगानिस्तान में जो इंटरफेयर ना करे आतंकवाद के नाम पे। कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर का राग अलापा था, उसको तो खैर भारत के जो वहाँ पे जो एम्बेसडर हैं दुबे, उन्होंने उसका जवाब दे दिया था। तो आज डायरेक्टली भारत के प्रधानमंत्री ने उसमें उसके ऊपर कुछ नहीं किया। पूरी तरह से ऐसा लग रहा है जैसे ये भारत के प्रधानमंत्री वहाँ भी अपना प्रचार मंत्री के तौर पे ही काम कर रहे, भाषण देने गए हैं। भारत देश में हालत इतने ख़राब हैं कि इकोनॉमी किस लेवल पे है और तीसरी लहर का भी खतरा है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। बस इतना ही कहा कि हमने 12 साल के बच्चों की एक वैक्सीन का DNA की तैयार कर रहे हैं। तो सारा का सारा एक तरह से जो ये यूएन असेंबली में मोदी जी का भाषण था, एक तरह से बीजेपी का एक ये घोषणा पत्र के तौर पे ही उन्होंने पढ़ाया वहां जाके, जिससे कि वहां उनको वोट मिलेंगे। उनको वोट यहां से नहीं, भारतीय जनता वोट देगी। अभी 4 महीने बाद उत्तर प्रदेश के इलेक्शन है, तो उनको अपना वहां पे अपनी पब्लिसिटी करने के लिए उन्होंने ये भी एक प्रचार माध्यम देख लिया। यूएन जनरल असेंबली जो कि विश्व का एक संगठन है, उसका एक मंच है जिसमें विश्व की समस्याएं उठाई जाती हैं, वो भारत के अपने 20 साल के कैरियर का बखान करने के लिए वहां चले गए हैं। इससे आप समझ सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते हैं एक तरह से भारत के प्रधानमंत्री नहीं, प्रचार मंत्री के तौर पे ही अपना भाषण शुरू करते थे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।